हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। और सभी यूट्यूब चैनल देखने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज हम बनाने जा रहे हैं चाइनीज पास्ता चटपटा। तो चलो शुरू करते हैं गाइस। देखो, मैंने इधर ये पास्ता लिया हुआ है। ये अभी आपको छोटे छोटे दिख रहे होंगे, बट जब मैं इसको पानी में उबालने डालूंगी तो ये सारा पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये फूल के बड़े हो जाते हैं। आप टेंशन मत लेना कि ये छोटे दिख रहे हैं। तो हमने इधर चाइनीज पास्ता बनाने के लिए गाजर लिया हुआ है, इधर कटा हुआ प्याज है, ये पीली शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च और हरी शिमला मिर्च, और ये मैंने लहसुन की कलियां ली है, और ये हरा धनिया, और इधर हमने लिया है ये टमाटो केचप, और ये हरी मिर्च कटी हुई, ये चिली फ्लेक्स, और सेजवान चटनी, और ये है विनेगर, और ये सोया सॉस, ये है ग्रीन चटनी, और ये है सीजनिंग। तो ये पास्ता मसाला भी है, अगर डालना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। ऑयल लिया हुआ है, ये हमने पानी लिया हुआ है, ये गैस ऑन करेंगे, गैस ऑन कर देंगे और पैन को गैस में रख देंगे पानी गर्म करने के लिए। और अब हम डालेंगे इसमें पास्ता। थोड़ी सी नमक डाल देंगे क्योंकि ये पास्ता थोड़ा नमक में एब्जॉर्ब हो जाए। और उसके बाद हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा ऑयल। ऑयल इसलिए डालेंगे ताकि हमारे बर्तन पे ये पास्ता चिपके ना और थोड़ा अच्छा सॉफ्ट सा हो जाए। अब इसको घुमा देंगे और थोड़ा, देखो ऑयल डालने से पास्ते में शाइनिंग भी आती है, सॉफ्ट भी हो जाते हैं और गल भी जाते हैं। एक पास्ता निकाल के देखा था, ये पूरा गल चुका है, तो अब हम इसको एक बर्तन में छान लेंगे। गाइस देखो, ये मैंने पूरा छान लिया हुआ है मैक्रोनी को, इसका पानी पूरा निकल चुका है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस ऑन करेंगे गाइस, और हम पैन को गैस पे रख देंगे गरम करने के लिए। हम डालेंगे इसमें ऑयल, ऑयल को गर्म होने देंगे। हमने कुछ वेजिटेबल लिए हैं, हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे ये लहसुन की कलियां, एक बारीक कटा हुआ प्याज, ग्रीन मिर्ची, ये वेजिटेबल है जो शिमला मिर्च, सारी हम इसमें ऐड कर देंगे। कैरेट अब हम इनको भूनेंगे, पकाएंगे सब्जियों को अच्छी तरह से। सब्जियों को अच्छी तरह भून लेंगे, हल्के से सब्जी कच्चे कच्चे रहने से, पूरी अच्छी तरह नहीं पकाने हैं सब्जियों को। ये अच्छे से भून चुके हैं, अब हम इसमें डाल देंगे पास्ता मसाला। अब इसमें डालेंगे हम टमाटो केचप, उसके बाद डालेंगे हम इसमें सेजवान चटनी। क्यों नहीं दिखे हम, चिली सॉस, सोया सॉस, सोया सॉस ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि इसमें नमक होता है। टेंशन लाने के लिए विनेगर, अब हम इनको मिला देंगे। अच्छे से पकाएंगे इसको। पास्ता
अब इनको मिला दूंगी। देखो गाइस कितना अच्छा कलर आया है, आप जरूर ट्राई करना अपने घरों में चाइनीज पास्ता खाने का। चाइनीज फूड तो बच्चे हो बड़े हो सबको पसंद आता है। अब चिली फ्लेक्स सीजन आ रहा है ना टेस्ट पिज्जा वाला सीजनिंग डाल के पिज्जा वाला टेस्ट आता है तो बड़े शौक से खाते हैं बच्चे। हरा धनिया अब हम कर देंगे गैस ऑफ और इसको करेंगे शर्व। कोरिएंडर सिर्फ कर देंगे, ग्रीन कोरिएंडर देखो कितना अच्छा लग रहा है। वाव चिली फ्लेक्स सीजनिंग कर देंगे इसको। तो गाइस कैसे लगी आपको मेरा ये चटपटा पास्ता रेसिपी? अगर आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि कैसे लगी, और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा देना। बाय, मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में।